फ्रैंक को पता है अपनी प्रेमिका व पत्नी को धोखा दे रहा होता है, तब उसका व्यवहार पहले जैसा नहीं रह जाता। पुरुषों के तौर तरीकों में पहले की तुलना काफ़ी बदलाव नज़र आते हैं। बस जरूरी है कि इस बदलते व्यवहार को समझकर इस पर थोक ध्यान देने की। कुछ ऐसे सामान्य संकेत होते हैं जो आमतौर पर धोखा देने वाले लोगों में पाए जाते हैं। आइए आपको इन संकेतों के बारे में बताते हैं दोस्तों। पहला, जब आपका साथी आपसे छोटी छोटी बातों पर कई बार बिना बात कर भी लड़ाई करने लगता है तो सतर्क हो जाइए। दूसरा, जब आपका साथी झगड़ों को खत्म करके दोबारा एक होने के बहुत ज़्यादा समय लेने लगे या कई बार छोटी सी बात पर महीनों तक बातचीत बंद कर दे तो यह संकेत हो सकता है कि आपको धोखा दे रहा है और आपसे रिश्ता खत्म करना चाहता हो। तीसरा, जब आपको वह भावात्मक रूप से दूरी बना ले, आपको उसकी भावनाओं के स्तर पर जरूरत होने पर भी वह आपके लिए उपलब्ध न हो, ऐसा अक्सर तब होता है जब वह किसी और को प्यार करने लगता है। चौथा दोस्तों, कुछ ऐसे पुरुष भी होते हैं जो आपको भावनात्मक रूप से ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। आप समझ नहीं पाएंगे कि ये जरूरत से ज़्यादा अधिक अच्छे क्यों बन रहे हैं। हो सकता है कि ऐसा वे अपनी गलतियां छुपाने के लिए कर रहे हैं जिससे कि आपको उनसे कोई शिकायत न हो और आपका ध्यान उनकी अन्य गतिविधियों से हट जाए। पांचवा, धोखा देते समय अक्सर लोग अपने साथी से बातचीत करना कम कर देते हैं जिससे कि उनके मुंह से कुछ ऐसी बात न निकल जाए जो आपको शंका पैदा करे। अब उन्हें पहले की तरह आपसे बात करने में ज़्यादा रुचि नहीं होती, साथ ही वे आपसे छोटी मोटी रोज़मर्रा की बातें भी छुपाने लगते हैं। छठवां, धोखा देते हुए अक्सर लोग अपने प्रेमी प्रेमिका को हसीन ख्यालों में किसी भी वक्त खो जाते हैं। ऐसे में आप ध्यान दें कि क्या वे ज़्यादा अपने ख्यालों में नहीं खोए रहते। ये संकेत उनके किसी और को चाहने की और आपको धोखा देने की हो सकती है। सातवां, जब वे वैवाहिक संबंधों में भी आपसे दूरी बना ले, ऐसा अक्सर तब होता है जब वे किसी और को चाहने लगते हैं। दोस्तों, ये कुछ संकेत हैं जिससे आप जान सकते हैं कि आपका पति या आपका साथी आपसे धोखा कर रहा है। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए।